नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर के जुगसलाई में श्री रानी सती सत्संग समिति के द्वारा जुगसलाई रानी सती दादी मंदिर से 23वें मंगसीर नवमी के उपलक्ष्य पर प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 1008 महिला श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। हम लोग 23वां मंगसीर नवमी महोत्सव मना रहे हैं, जिसके प्रथम दिन का आज कार्यक्रम था। प्रत्येक वर्ष हम ये कार्यक्रम कलश यात्रा के साथ गणेश जी को आह्वान करते हुए शुरुआत करते हैं। उसी क्रम में आज सुबह 6:30 बजे गणेश जी की पूजा की गई, कलश पूजन किया गया तथा महिलाओं के बीच कलश वितरण करके पूरे जुगसलाई में भ्रमण करके कलश को दादी जी के ऊपर अर्पण किया गया। कितने महिला श्रद्धालुओं ने इस कलश यात्रा में हिस्सा लिया? कलश 500 से अधिक महिला उठाई थी और बिना कलश को मिला के 1000 से अधिक महिलाएं इस जुलूस में शामिल थी। क्या कुछ आगे कार्यक्रम है? आगे हमारा अभी 2 कार्यक्रम और बाकी है। आज संध्या 7 बजे से रंगलाल मैरिज हॉल जुगसलाई में हैदराबाद की गायिका प्रियंका गुप्ता, कलकत्ता से आयुष त्रिपाठी और जमशेदपुर की नेहा कौर आ रहे हैं। भजनों का कार्यक्रम है संध्या 7 बजे से रंगलाल मैरिज हॉल में। इसके बाद कल द्वितीय दिवस में 18 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे से रंगलाल मैरिज हॉल में मनीषा भार्गव कलकत्ता से दादी जी का मंगल पाठ करने आ रही है। मंगल पाठ में हमारा टारगेट है कि लगभग 1008 महिलाएं हो जाएंगी। क्या नाम हुआ आपका? मैं अनिल कुमार अग्रवाल। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।